नमस्कार दोस्तों, ज्ञान सागर चैनल में आपका स्वागत है। तो गाइस, लास्ट क्लास मैंने आपको ऊष्मा पढ़ा दिया था, तो अब बात करते हैं ऊष्मागतिकी क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं थर्मोडायनामिक्स। चलिए यह बताते हैं। और ऊष्मा जो गतिकी होता है, इसमें कुछ निकाय होते हैं, उनके बारे में बताएंगे। देखो, ऊष्मागतिकी के अंदर नियम भी होते हैं और निकाय भी होते हैं, लेकिन नियम से क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन कुछ निकाय होते हैं उनसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मैं आपको नियम हालांकि समझा दूंगा, लेकिन नया जो निकाय है वो मैं आपको कराऊंगा। तो देखिए, ऊष्मागतिकी क्या होती है। ऊष्मा गतिकी है, जिसे हम बोलते हैं थर्मोडायनामिक। डायना मिक्स, जिसे हम बोलते हैं थर्मोडायनामिक्स। तो देखिए, ऊष्मागतिकी क्या होती है। ऊष्मा प्लस यांत्रिक कार्य में संबंध बताने को ऊष्मागतिकी कहते हैं। तो इसकी वन लाइनर परिभाषा कुछ इस प्रकार है, ऊष्मा प्लस यांत्रिक कार्य में संबंध बताने को क्या कहते हैं, हम ऊष्मागतिकी कहते हैं। ऊष्मा गतिकी कहते हैं। ये उसकी कुछ वन लाइनर परिभाषा है, जो कि मैंने आपको लिखा दिया। दोस्तों, अब बात करते हैं ताप की। देखो, ताप जो होता है वो किसी वस्तु का हो या फिर किसी का भी हो, वो दो तरीके से बढ़ाया जा सकता है। एक होता है ऊष्मा देकर बढ़ाया जा सकता है, दूसरा होता है यांत्रिक कार्य करके। जैसे कि सर्दियों का मौसम चल रहा है, तो अगर हमें अपने शरीर को ताप देना है, तो हम अपने शरीर को भी दो तरीके से बढ़ा सकते हैं। या तो कोई किसी वस्तु में आंच लगा के हम उससे ताप सकते हैं, या हो सकता है हम यांत्रिक कार्य करके, यानी भी कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा शरीर गर्म हो जाता है। तो इसी तरह, तो ताप को दो तरीके से बढ़ा सकते हैं। देखिए, ताप को दो तरह से बढ़ा सकते हैं, दो तरह से बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक होती है ऊष्मा देकर और एक होता है हमारा यांत्रिक कार्य करके। यांत्रिक कार्य करके, अब जैसे कि मैं आपको दोनों को अच्छी तरह समझा देता हूं। ऊष्मा देने का मतलब होता है किसी वस्तु में आग जलाकर, किसी वस्तु में आग जलाकर। तो एक होता है दोस्तों, जैसे कि मैं उसको आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे कोई पंप होती है या फिर कोई वस्तु होती है जिस पर हम लगातार कार्य करें तो वह वस्तु गर्म हो जाती है। जैसे एक एग्जांपल, लगातार पंप मारने पर जैसे हम साइकिल का जो ट्यूब होता है उसमें हवा भरते हैं, तो किससे भरते हैं, पंप से भरते हैं। तो लगातार पंप मारने पर पंप का वैरल गर्म हो जाता है, पंप का जो वैरल होता है गर्म हो जाता है। गर्म होना, जो पंप का जो वैरल होता है वो गर्म हो जाता है, इस तरीके से। दोस्तों, अब बात करते हैं ऊष्मा गति के जो निकाय होते हैं उनके बारे में। हालांकि ऊष्मा गति के जो नियम होते हैं, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ। ऊष्मा गति का जो फर्स्ट नियम कहता है वो कुछ इस प्रकार है कि ऊष्मा को पूरी तरह ऊर्जा में नहीं बदला जा सकता, लेकिन ऊर्जा को पूरी तरह ऊष्मा में बदला जा सकता है। इस प्रकार उसके कुछ नियम होते हैं, लेकिन पूछा तो जाता नहीं है, लेकिन आपके समझने के लिए मैंने आपको बता दिया। तो बात करते हैं ऊष्मा गति के निकाय, क्योंकि यहीं से अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं। ऊष्मा गतिकीय निकाय,
तो देखिए, तो यहां से किस प्रकार क्वेश्चन होते हैं, तो फर्स्ट जो निकाय होता है वो कुछ इस प्रकार होता है, फर्स्ट निकाय होता है चक्रीय प्रक्रम, जो सेकंड निकाय होता है वो समदाभी प्रक्रम होता है, एक आयतनिक प्रक्रम होता है और एक होता है हमारा रुद्धोष प्रक्रम। तो इन प्रक्रमों के क्या होते हैं, कुछ एग्जाम्पल होते हैं, मैं आपको लिखाता हूं फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करके आपसे एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है। तो पहला होता है हमारा चक्रीय प्रक्रम, प्रक्रम। तो देखिए चक्रीय प्रक्रम का मतलब होता है चक्र की तरह क्रिया करना, जैसे कि एक होती है हमारी बर्फ होती है, उसके बाद जल और उसके बाद होती है गैस। तो देखिए जो चक्रीय क्रिया होती है वो किस प्रकार होती है, जो बर्फ होती है, बर्फ को अगर हम थोड़ा सा ताप देते हैं, मान लो बर्फ को हमने थोड़ा सा ताप दिया, थोड़ी सी ऊष्मा दी, तो क्या होता है जो बर्फ होती है वो पिघल जाती है और पिघल के क्या बन जाती है, जल बन जाती है। इसी तरह अगर हम जल को थोड़ा सा ताप दें या थोड़ी सी ऊष्मा दें तो जल होता है वो क्या हो जाता है, भाप बन जाती है, आपने देखा होगा। जल को अगर थोड़ा सा ताप दे दें तो वो क्या बन जाता है, गैसमय बन जाती है। अब यही ताप अगर हम वापस ले लें, जैसे ये तो हमने दिया, अगर ये ताप लिया, इससे अगर हमने ताप वापस ले लिया तो जो गैस होती है वो पुनः जल बन जाती है। अगर हम जल से दोबारा ताप वापस ले लें तो क्या बन जाता है, ये तो ये फिर से जल बन जाती है। तो ये चक्रीय प्रक्रम कुछ इस प्रकार की क्रिया होती है जो कि खत्म नहीं होगी, जो एक दूसरे में बदलती रहती है, इसे बोलते हैं चक्रीय प्रक्रम। आपसे पूछा जाएगा कि जल से गैस बनना या फिर बर्फ से जल बनना, ये किसका एग्जाम्पल है, तो आपको बताना है चक्रीय प्रक्रम। अब दूसरे की बात करते हैं, दूसरा होता है हमारा समदाभी प्रक्रम, समदाभी प्रक्रम। अब देखिए जो समदाभी प्रक्रम है ये दाब पर स्थिर कार्य करता है, किस प्रकार करता है, जैसे कि किसी द्रव का, इसका एग्जाम्पल बता देते हैं हम, फर्स्ट एग्जाम्पल इसका ये, किसी द्रव का गैस में बदलना, गैस में बदलना। दूसरा एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार है कि किसी द्रव का बर्फ में बदलना, किसी द्रव का बर्फ में बदलना, बर्फ में बदलना। देखिए तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल करा दिया समदाभी प्रक्रम का। तो अब बात करते हैं जो कि हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक होता हमारा आयतनिक प्रक्रम और एक होता है हमारा रुद्धोष प्रक्रम, इन दोनों से अक्सर करके पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। तो किस प्रकार होते हैं देखिए, तो यहां पे करा देता मैं आयतनिक प्रक्रम, आयतनिक प्रक्रम। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, जो हमारी गैसें होती हैं, गैसों में स्वयं विस्फोट हो जाना या फिर कोयले खान में विस्फोट होना जाना, जो होता है हमारा आयतनिक प्रक्रम का एग्जाम्पल होता है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि गैसों का विस्फोट होना या फिर कोयले खान में विस्फोट होना किसका एग्जाम्पल है, तो आपको ऑप्शन में दिया हुआ आयतनिक प्रक्रम, समदाभी प्रक्रम, चक्रीय प्रक्रम या रुद्धोष प्रक्रम, इस प्रकार आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो इसके क्या एग्जाम्पल होते हैं, गैसों में विस्फोट होना, गैसों में विस्फोट होना। अच्छा दूसरा एग्जाम्पल क्या होता है इसका, कोयले की खान में विस्फोट होना, कोयले की खान में विस्फोट होना। देखिए दोस्तों इसके मैंने आयतनिक प्रक्रम के दोनों एग्जाम्पल मैंने लिखा दिए। तो अब बात करते हैं जो हमारा लास्ट प्रक्रम है वो होता है हमारा रुद्धोष प्रक्रम। तो रुद्धोष प्रक्रम के क्या एग्जाम्पल होते हैं, रुद्धोष प्रक्रम। तो रुद्धोष प्रक्रम के
एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार होते हैं, जैसे कि किसी थर्मस में रखी चाय का थोड़ी देर बाद अपने आप ठंडा हो जाना, या फिर चाय का थर्मस में गर्म होना इस प्रकार। और एक एग्जाम्पल होता है, जैसे आपने देखा होगा जो वाहन होते हैं, जो वाहन खड़े रहते हैं तो उनका जो टायर होते हैं वो अपने आप ही फट जाते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा जैसे कभी बाइक होती है, हमारी साइकिल होती है, उसका जो टायर होता है अपने आप ही फट जाता है, तो वो किसके एग्जाम्पल है? रुद्ध दोष प्रक्रम के। जैसे मैं आपको फर्स्ट लिखा देता हूं, फर्स्ट एग्जाम्पल क्या होता है हमारा, थर्मस में रखी चाय का, थर्मस में रखी चाय का थोड़ी देर बाद ठंडा हो जाना। आप देख लीजिए, मैं थोड़ा सा हट जाऊंगा, थोड़ी देर बाद ठंडा हो जाना देखिए इसका मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल आपको लिखा दिया। दूसरा एग्जाम्पल क्या होता है कि किसी वाहन के टायरों का अपने आप फट जाना, तो वाहन के टायरों का फट जाना, वाहनों के टायरों का फटना, तो ये किसका एग्जाम्पल है? रुद्ध दोष प्रक्रम का। एक एग्जाम्पल और होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था चाय का थर्मस में ठंडे हो जाना, इसी तरह चाय का थर्मस में गर्म होना। लेकिन आप चौंक रहे होंगे कि चाय थर्मस में ठंडी तो होती है लेकिन गर्म कैसे होती है, तो मैं आपको बता देता हूं, जो चाय होती है अगर आप ठंडी चाय थर्मस में करेंगे तो थर्मस को धीरे धीरे ऐसे हलाइए, तेजी से हलाइए, तो उसमें क्या होता है, जो चाय के जो कण होते हैं यानी उस द्रव के जो कण होते हैं वो एक दूसरे के साथ टकराते हैं, और टकराने के साथ साथ क्या होता है कि ऊष्मा प्रकट होती है, तो धीरे धीरे वो चाय होते वो गर्म होने लग जाती है, थोड़ी बहुत गर्म होती है। इसका मतलब ये नहीं कि चाय खौलने लग जाएगी, नहीं, जो ठंडी चाय होगी अगर हम थर्मस को बार बार हिलाएंगे तो वो थोड़ी सी गर्म हो जाएगी बस। तो अगला क्या है, थर्मस में चाय का गर्म होना, तो ये दोस्तों मैंने आपको रुद्ध दोष प्रक्रम, आयतनिक प्रक्रम, और ये होता हम समदाबि प्रक्रम और चक्रीय प्रक्रम, इन तीनों चार प्रक्रमों के मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिए। तो ये मैंने आपको ऊष्मा गति की बता दिया, और रही बात ऊष्मा गति के नियमों की, तो उनसे क्वेश्चन आते नहीं है तो इसलिए मैंने उन्हें नहीं कराया है, जो कि प्रक्रमों से आते क्वेश्चन तो प्रक्रम मैंने करा दिए। तो दोस्तों अब हम अगली क्लास में फिर मिलते हैं आपको, तो उससे अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए, चलते हैं, धन्यवाद।